हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता, सरकार ने कीमतों में किराए सीधे इतने रुपए। जी हाँ, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 8 रुपए और 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है। इस कटौती के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपए और डीजल की कीमत 89.62 रुपए हो गई है। तो वहीं यूपी में पेट्रोल 96.57 रुपए और डीजल 89.76 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। पेट्रोल डीजल पर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, पहले कीमतें बढ़ाना और फिर मामूली कटौती सही नहीं। जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र की पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने की घोषणा करने के बाद कहा कि पहले कीमतें बढ़ाना और फिर मामूली कटौती करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को राहत तब मिलेगी जब उत्पाद शुल्क 6 से 7 वर्ष पुरानी दरों पर पहुंचेगा। दरअसल पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटाया गया है। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान बोले, अखिलेश नहीं मिलने आए तो कोई वजह जरूर होगी। जी हां, 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए सपा के नेता आजम खान ने खास बातचीत करते हुए कहा कि मेरे ऊपर दर्ज 90% मुकदमों में मेहरबानियां तो अपनों की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जेल में मुझसे मिलने नहीं आए तो कोई वजह होगी, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, मैं न ही हार्दिक पटेल हूँ। LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, सरकार ने किया सब्सिडी का ऐलान। जी हां, आसमान छूती महंगाई से आम आदमी को राहत देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर 12 सिलेंडर तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। केंद्र ने ये ऐलान पेट्रोल डीजल के एक्साइज ड्यूटी घटाने के अतिरिक्त किया है। सीएम भगवंत मान की लोकसभा सीट संगरूर से चुनाव लड़ सकते हैं सुनील जाखड़। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे से खाली हुई लोकसभा सीट संगरूर से भाजपा सुनील जाखड़ को अपना उम्मीदवार बना सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जाखड़ को भाजपा में शामिल कराया था। भाजपा जाखड़ को पंजाब में अपने एक बड़े हिंदू नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर रही है। राजस्थान सरकार ने केंद्र के बाद सबसे पहले ईंधन पर वैट घटाया। जी हां, बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती करने के बाद राजस्थान सरकार ने पेट्रोल पर 2.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1.16 रुपए प्रति लीटर वैट कम कर दिया है। केरल सरकार ने भी पेट्रोल की कीमतों पर 2.41 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1.36 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया है। हार्दिक पटेल ने कहा, राहुल गांधी ने 5 मिनट का समय दिया होता तो मैं इस्तीफा नहीं देता। जी हां, कांग्रेस के पूर्व नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात के लिए 5 मिनट का समय मांगा था जो उन्हें नहीं मिला। अगर राहुल गांधी इतना वक्त निकाल पाए होते तो शायद वो इस्तीफा नहीं देते। हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस को चिंतन की नहीं चिंता करने की जरूरत है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।